गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। महिला अपराध पर राज्य सरकारें गंभीर हो, महिला अपराधों की जल्द से जल्द जांच की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। अपराधियों में डर पैदा करना भी जरूरी है। आइए सुनते हैं क्या कहा। टूरिज्म का क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टम बन रहा है। हम विश्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी आगे देख रखते हुए हम हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। हर सेक्टर में आधुनिकता की जरूरत है, नएपन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है और हर सेक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण इन सारे क्षेत्रों में एक नया सपोर्ट मिल रहा है, नई ताकत मिल रही है। का भाषण सुन रहे हैं जिसमें उन्होंने चिंता जाहिर की है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि कोलकाता से लेकर कन्नौज तक हाल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह कि पीएम मोदी ने यहां पर यह कहा कि दरअसल जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं या फिर जो राज्य की सरकार है उनको इस मामले में गंभीर होना चाहिए। सीधे रुख करते अजय का, जुड़ रहा है हमारे साथ लखनऊ से। अजय, पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी चिंतित है, परेशान है, आज उनके भाषण में भी दिखा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव का ये रुख, ये रवैया, ये व्यवहार कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जब वो कह रहे थे कन्नौज के मामले में, यानी कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता या उनके नेता दोषी हैं किसी मामले में। बिल्कुल, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जो दो ये बड़े घटनाक्रम हुए, चाहे वो अयोध्या का मामला रहा हो, चाहे वो कन्नौज का मामला रहा हो, एक तरीके से इसमें पॉलिटिकल लाइन मालूम देती हुई साफ तौर पर दिखाई दी थी समाजवादी पार्टी ने, तो अयोध्या के मामले में सीधे सीधे बेगुनाह होने तक की स्थिति उसको लेकर जो तहरीर करते हुए दिखाई दिए, जो पक्ष लेते हुए सपा के नेता, चाहे सपा के अयोध्या के जिले के नेता हो, चाहे शीर्षतम जो नेता हो वो हो, एक तरीके से पक्ष लेते हुए दिखाई दिए। और कन्नौज के मामले में भी एक तरीके का व्यंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस तरीके की घटनाओं की, महिलाओं से जुड़े हुए कानूनों के उल्लंघन की घटनाओं की प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बात कही है, उन बातों का पक्ष लेने की बजाय, ऐसी बातों का विरोध करने की बजाय जो पक्ष समाजवादी पार्टी के नेता लेते हुए दिखाई दे रहे, बेहद हैरान करने वाला ये पूरा मामला है, हैरान करने की तस्वीरें ये दिखाई दे रही है। बिल्कुल अजय, बड़ी बात आप कह रहे हैं और महिमा आप भी बड़ी जानकारी और अपडेट वहां से दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री यहां पर कह रहे हैं कि अपराधियों में डर पैदा करना जरूरी है, लेकिन अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली और मुस्कुराहट उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं फौरन। ये डांस, नागिन डांस हो रहा था और वहीं पर अखिलेश यादव भी बैठे हुए, इस डांस को देखने की फुर्सत है, लेकिन नवाब यादव पर कुछ भी बोलने के लिए नहीं है वो। और देखिए किस तरीके से मुस्कुराते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हुआ है उस बच्ची के साथ उस पर कुछ भी बोलने के लिए यहां पर अखिलेश यादव नहीं नजर आए। चुप्पी उन्होंने साथ के रखी। आरोपी नवाब पर अखिलेश ने बीजेपी को बल्कि घेरा। अखिलेश ने रेप की घटना की निंदा तक नहीं की। और ये देखिए, अखिलेश यादव सपा दफ्तर पर कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, अखिलेश यादव मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर इनकी जुबान खुलती भी नहीं। सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो का मैसेज जुड़ गए दो सहयोगी, महिमा जुड़ रही कन्नौज से, अजय जुड़ रहे लखनऊ से। सीधे रुक करते पहले अजय का। अजय, अखिलेश यादव पहले तो मोहित खान के मामले में कहते हैं ना को टेस्ट होना चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, लेकिन इस मामले में तो सीधे सीधे कहते हैं बीजेपी की संलिप्तता है, यानी कुल मिलाकर के उन्हें मानना नहीं कि उनकी जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो आरोपी है, रेप पीड़िता का उन्होंने शोषण किया है।
बिल्कुल, दो घटनाएं लगातार हुई। पहली अयोध्या में, तब तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से तमाम जांचों की डीएनए टेस्ट से लेके हर बात किया करती थी, तो जिस हद तक डिफेंड कर रही थी, बिल्कुल वो ये मान ही चुके थे कि जो उनके पार्टी के एक नगर के अध्यक्ष हैं वो बेगुनाह हैं। लेकिन इस मामले में सीधे सीधे व्यंग करके सरकार पर अपनी कन्नी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं सपा के जो मुखिया, और तमाम जो पॉलिटिकल हैपनिंग के बीच में, इतना कुछ होने के बीच में सपा के नेताओं की चुप्पी, सपा के नेताओं के अयोध्या वाले मामले में जो टोन था, उससे पता चल रहा है कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक बेरुखी जो है, एक तरीके की न्यूट्रलिटी एटीट्यूड में सपा के नेताओं के दिखाई दे रही है। बिल्कुल अजय, हमारे साथ महिमा भी जुड़ी हुई है और लगातार वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। महिमा आपके पास आएंगे, लेकिन ये देखिए, दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में अपराध पर चुप्पी अखिलेश यादव की तरफ से, और वो देखिए नवाब यादव को आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ ही है। ये क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में, ये सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि देखिए मोहित खान और अब ये नवाब यादव। दूसरी तस्वीर में नागिन डांस पर किस तरीके से हंसते हुए, यहां पर आनंद लेते हुए अखिलेश यादव को साफ साफ देखा जा सकता है। और इधर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने नवाब यादव पर कुछ नहीं कहा, और जो घटना हुई है उस पर भी निंदा उन्होंने नहीं की। तो ये दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, सवाल यही उठता है कि आखिर अपराध पर चुप्पी क्यों साध रखी है अखिलेश यादव ने। जैसे ही उनसे सवाल किया गया, बीजेपी को घेरते हुए नजर आए, लेकिन उस घटना की उन्होंने निंदा बिल्कुल भी नहीं की। आइए एक बार आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उपेंद्र कुमार कन्नौज, आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे जो गए हुआ रिपोर्टिंग के लिए। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से अखिलेश यादव यहां पर नागिन डांस देख रहे थे, लेकिन सवालों पर चुप्पी साध रखी थी। महिमा हमारे साथ हैं, महिमा जिन्होंने दादा, जो पीड़िता के दादा हैं, उनसे बात भी की है। महिमा आपको क्या लगा, आपने उनसे बात की, उनका क्या कहना है, क्योंकि अखिलेश यादव तो यहां पर कुछ भी नहीं बोलते हुए नजर आए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अखिलेश यादव के उस बयान की जिसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, और अखिलेश यादव का यह बयान बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त कन्नौज पूरा हेडलाइंस में है, और उनके नेता नवाब सिंह यादव, दो एक डेढ़ महीने पहले हम देखिए लगातार शोक उनकी तरफ से व्यक्त किया गया था जब नवाब सिंह यादव की मां का निधन हुआ था। ये वही अखिलेश यादव है जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचे थे, और उसके बाद पूरा अरेंजमेंट जो किया गया था नवाब सिंह यादव की तरफ से अरेंजमेंट किया गया था। तो यानी कि नवाब सिंह यादव सालों साल से हमेशा से राजनीति करते आए, वो भी इसी कन्नौज से समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अब अपना पल्ला झाड़ते हुए इस वक्त अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। और इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान, वो कह रहे हैं कि हेडलाइन में किसी बच्चे के साथ यहां पर दरिंदगी करने की कोशिश की गई, रेप करने की कोशिश की गई, और वो ये कह रहे हैं कि यहां पर हेडलाइन में, और सबसे बड़ी बात कि वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे। ठीक है, राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है हमेशा से, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं। वहीं नवाब सिंह यादव जो हमेशा से समाजवादी पार्टी की तरफ से राजनीति करते आए कन्नौज से। दूसरी बड़ी बात, आपने कहा दादा से जब मैंने बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उनकी बेटी यानी कि बुआ जिसको, जो कि संलिप्त बताई जा रही है इस पूरे मामले में, वो भी फरार बताई जा रही है। दादा ने कहा कि अगर मेरी बेटी की गलती है तो सजा होनी चाहिए। अपडेट आपको फटाफट से बता देते हैं, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी, इस वक्त बुआ को तलाशा जा रहा है। 6 सदस्यीय टीम बुआ को तलाश रही है, कहां गायब हो गई है बुआ, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी बड़ी बात, 16 तारीख को इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई होने वाली है, बेल नहीं मिली थी नवाब सिंह यादव को, इसी पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। डीएनए टेस्ट की बात की भी यहां पर लगातार मांग की जा रही है, हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाए कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए नवाब सिंह यादव का। तो ओवरऑल अपडेट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, लेकिन अभी आपने जो बयान दिखाया, एक तरफ यहां पर डांस हो रहा है उसका लुत्फ उठाते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे, लेकिन दूसरी बड़ी बात, अखिलेश यादव इतना बड़ा नेता, सपा का नेता, इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान। तो असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है अखिलेश यादव की ओर से महिमा, शायद यही वजह है कि वो कार्यक्रम का आनंद ले रही हैं, लेकिन जितना गंभीर मुद्दा है ये, उस पे उनके जो चेहरे के भाव है बताने के लिए काफी कि उनके लिए मुद्दा कुछ है ही नहीं। सीधे रुख करते हैं बड़ी खबर का जो कि कन्नौज से आ रही है। कन्नौज रेप केस में ये बहुत बड़ी खबर है, रेप आरोपी किया जाएगा, पुलिस ने सैंपल के लिए कोर्ट से परमिशन मांगी है, कोर्ट से परमिशन मिलते ही नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। तो पहले जिस तरीके से जो नाबालिग लड़की है उससे रेप की पुष्टि हो चुकी है, रेप की पुष्टि के बाद नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट करने की परमिशन यहां पर पुलिस की ओर से कोर्ट से मांगी गई, कोर्ट का परमिशन मिलते ही नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद साफ हो जाएगा कि जिस तरीके से रेप की पुष्टि हुई है वो रेप नवाब सिंह यादव ने ही किया है या कुछ और लोग भी इसमें शामिल है, किस तरीके से किया गया, नवाब सिंह यादव की ओर से जो बातें कही जा रही है कि उसे फंसाया जा रहा है, बहुत सारी बातें साफ हो जाएगी डीएनए टेस्ट के साथ। शिखा यहां पर, और सीधे रुख करते हैं महिमा का। महिमा,
डीएनए टेस्ट अब करवाने की बात हो रही है। आपको याद होगा अयोध्या के मामले में भी अखिलेश यादव के कुछ ऐसी बयान थे, कुछ ऐसी उनकी इच्छा थी कि डाकर टेस्ट हो, डीएनए टेस्ट हो। इस मामले में तो डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस ने ऑलरेडी परमिशन मांग ली, कोर्ट से मिल जाएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट की मांग यहाँ पर की गई है। हालांकि कोर्ट में सुनवाई होने वाली 16 तारीख को, और सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि कब यहाँ पर डीएनए टेस्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति जो की जा रही है उसको जनता भी देख रही है। और नवाब सिंह यादव जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं हम यहाँ पर अनामिका, देखिये वही नवाब सिंह है और यहाँ पर लोग देखिए जैसे कैमरा ऑन होता है, मैंने खुद देखा है कैमरा ऑन होता है लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन ऑफ कैम लोग नवाब सिंह यादव के किस्से सुनाया करते हैं कि 200-250 गुंडे चला करते थे, इतनी सारी प्रॉपर्टी कहां से, प्रॉपर्टी का भी जिक्र। अच्छा ये अपडेट भी मैं आपको दे देती हूं कि नवाब सिंह यादव की प्रॉपर्टीज की भी जांच होगी। बड़े बड़े होटल, आलिशान होटल्स हैं, महाविद्यालय खोला हुआ है, चाइल्ड स्कूल खोला हुआ है, भट्टियां यहां पर चला करती थी, मिनी सीएम उस वक्त पे कहा करते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। तो इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी, बहरहाल वो दूसरा विषय है। लेकिन अपडेट अभी भी आपने बताया, उससे पहले भी मैंने बताया था कि डीएनए टेस्ट होगा और उसके बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। हालांकि पुलिस ने कल, मैंने एसपी से बात की थी और एसपी ने साफ तौर पर बताया हमने रंगे हाथ पकड़ा है, रंगे